तो गाइस यार मेरे पास ये चार ही लाइटर हो चुके हैं, लेकिन इनसे उड़ने के लिए मेरे पास फायरवर्क्स नहीं है। और कब तक मैं यूं ही दूसरों के घरों से फायरवर्क्स चुराता रहूंगा और कब तक केव्स में जा के ऐसे ही क्रीपरों को मारता रहूंगा, कब तक गाइस, कब तक? मैं थक चुका हूं यार, इसीलिए आज मैं बनाने वाला हूं जायंट क्रीपर फार्म और ये आगे जाके मुझे बहुत काम आने वाला है गाइस। तो चलो चलते हैं फिर बिल्ड करने के लिए, लेट्स गो। ऑलराइट गाइज, हाउ डू यू डू, कमेंट में जरूर बताना। और चलते हैं अब अपने मटेरियल की तरफ, जहाँ पे मैंने अपना बिल्डअप का मटेरियल रख रखा है। और ये मैंने अभी सजाया नहीं, अभी थोड़ा सा और रह रहा है। तो गाइज ये रहे मेरे चार शर्कर बॉक्स, जिन्हों में स्टैकों के हिसाब से मेरा बिल्डअप का मटेरियल पड़ा पड़ा सड़ रहा है। इसको इकट्ठा करने में मेरे पूरा 2 दिन चले गए, क्योंकि गाइस इतने सारा मटेरियल है स्टैगो के हिसाब से तो मुझे बहुत टाइम लगा। और इन्हें को कलेक्ट कर लेते हैं गाइस, चार के चार शर्कर बॉक्सों को, और एक मिनट चेक कर लेते हैं अपनी इन्वेंट्री में आ गए हैं। और इसे छोड़ते हैं और बेड भी ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ सोना जरूरी है। और निकल लेते हैं अपने बिल्डअप के लिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे गाइस हम अपना, क्योंकि हमें भाई जल्दी से जल्दी अपना गन पाउडर फार्म बनाना है। और गन पाउडर फार्म बना के हमें बहुत सारे रॉकेट भी बनाने हैं। भाई एक मिनट यहाँ बना लेते हैं, क्योंकि ये ओशियन ही है और ओशियन के पास बनाना बहुत सही रहता है गाइस। एक मिनट, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, पता नहीं ये लांबा क्या कर रहा है यहाँ पे भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। अबे साले। और पहले ऐसे करते हैं अपना बेस बना लेते हैं, क्योंकि मुझे पहले बेड लगा लेता हूँ। और नीचे के बेड की तरफ हमें फिल लगाने पड़ेंगे और अपने शल्कर बॉक्सों को लगा के अपना सामान सारा का सेट है। लो ये भी लग गया। और इसे लगाने के बाद मैं ऐसा करता हूँ गाइस, अब ये जो मेरा आर्मर है और आर्मर को पहन लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे खतरा बहुत है। और इसे लाइटर रखने की पंक्तियां शुरू कर लेते हैं, इनमें जगह नहीं है, इसमें भी आगे देखते हैं, इस वाले में भी जगह नहीं है गाइस, इसमें जगह है, इसमें सारा का सारा मटेरियल रख रखा है, तो सारा का सारा सामान इसमें ही रख देते हैं। ये लो नहीं, एक्स की तो शायद जरूरत पड़ेगी गाइस, एक्स ले लेते हैं यार, क्योंकि क्या पता कैसे वो तोड़ना पड़ जाए ट्रैप डोर। तो ऐसा करते हैं, इसे अपनी को एक्स को ना ले लेते हैं, ये हमारे बहुत ही फायदे में देगी, ठीक है ना गाइस। तो इसे ट्रैपिंग टेबल को रख देते हैं। ओहो ये भी आ गया, कोई नहीं निकल यहाँ से जल्दी से भाई, ये तो चला गया, ये मटेरियल अपना सारा का सारा सेट है। भी ऐसा करता हूँ फिलहाल के लिए कुछ सामान ले लेता हूँ, मैंने अपना ग्लास ले लिया है। तो गाइस आई एम रेडी फॉर अ बिल्ड अप अ न्यू जायंट क्रीपर फार्म। बेस तो अपना बना चुके हैं हम, और अब ऐसा करते हैं अपनी चेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। अपनी सारी की सारी चेस्ट लगाने के बाद ये लग गई हमारी। और अब ऐसा करते हैं अपना नीचे उतरते हैं और अपना हॉपर लगाना शुरू कर देते हैं। यार हॉपर कैसे लगाऊं, थोड़ा इधर होना पड़ेगा साइड गाइस, जब ही जाके लगेगा, क्योंकि टच तो हो रहा है हल्का सा। लो लग भी गया अपना हॉपर। और ये वाले सारे के सारे हॉपर लगाने के बाद, और अब चलते हैं अपने ऊपर लगाने के लिए। ऊपर वाले तो यार लग भी नहीं रहे, ऐसा करते हैं मेरे पास सब जुगाड़ है। मैं ऐसा करता हूँ अपने थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ पीछे को जगह को, और ये नेदर रैक लगा लिए। और अब ऐसा करता हूँ ये ऊपर वाले भी हॉपर लगा लेता हूँ, और अब चलता हूँ इसको तोड़ने के लिए वापस, क्योंकि यार यहाँ पे अगर मॉब स्पॉन हो गए तो मुझे चटनी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं बना दूंगा, मेरे पास फुल्ली आर्मर है भाई, नेदरराइट करो वो भी। एंड गाइस देयर वी गो, अपर साइड चेस्ट, और इन पे भी लगानी पड़ेंगे हमें हॉपर, और इनो पे लगाने हैं हमें 9x9। मतलब गाइस देखते रहिए अब कैसे लगा रहा हूं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। और ये गाइस पहला हॉपर लग चुका है अपना, और दूसरा यहाँ पे लगाने हैं हमारे टोटल 5 हॉपर। और यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे मैंने कंप्लीट करे थे, और गाइस ये कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारा काम है यहाँ पे कारपेट लगाना, ताकि हमारा क्रीपर आके गिरे तो उसे बेचारे को बिल्कुल भी दुख ना हो। अच्छा, और ये आखिरी रह रहा है गाइस, इसे भी लगा के कंप्लीट हो चुका है। और अब अपनी वॉल खड़ी करनी शुरू करते हैं आगे की, और अपने टेम्पररी ब्लॉक पहले प्रेस करते हैं, और इसके नीचे जाऊंगा मैं, लगाऊंगा एक ब्लॉक अपना स्टोन लगा दिया। और ऊपर की तरफ चल के अब यहाँ पे सारों की तरफ मतलब कवरिंग कर देते हैं पूरा, यहाँ पे एंड हो चुका है। और गाइस ऐसा करते हैं अब इस वाले को ना यहाँ से तोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लगा दिए हैं यहाँ पे, ये तोड़ने हैं वो। गाइस आपको क्यों बता रहा हूँ, आप तो पहले ही पता कौन सा फार्म बन रहा है। और अब ऐसा करता हूँ नीचे की तरफ यहाँ पे एक ब्लॉक लगाऊंगा, और इसके बाद यहाँ पे सारा का सारा ये जो अपना ये ग्लास से अपना कवर हो गया, और ये वाला मैं ब्लॉक तोड़ता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा है। एंड अब अपना क्या करना है, हमें लगाने शुरू कर देने हैं स्लैब्स गाइस, यहाँ पे इसके ऊपर सारे के ऊपर स्लैब्स बिछा देता हूँ। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद करना है नीचे जाके, नीचे भी अपने गिलासों पे स्लैब्स लगाने हैं, यहाँ पे अपने लगा दूंगा चारों तरफ, नहीं इसके नीचे नीचे लगाने हैं बस। और ये गाइस लग चुके, और ऊपर की तरफ चलने की कृपया करते हैं, ये इन्हों को तोड़ देते हैं, स्पॉन हो जाएंगे मॉब्स, ठीक है ना। और इसके ऊपर चढ़ता हूँ गिलासों के ऊपर, और यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे सारे के सारे गिलास। और गाइस इसको चारों तरफ से अपना एक तरफ बनाना, ये कोना बन चुका है, ये कैसे छूट गए यार, ये भी लगा देता हूँ, कोई नहीं ये भी लग गए। और इसके बाद इनको तोड़ देता हूँ, ये जो अपने ब्लॉक लगाए इनों को सहारा देने के लिए लगाए थे गाइस ये मैंने, और ये भाई ये भी तोड़ देता हूँ। और अब क्या करते हैं, अपना शुरू कर देते हैं इसके ऊपर से भी स्लैब्स, क्योंकि अपने क्रीपर जो है वो स्लैब बहुत पसंद आते हैं गाइस। ये फाइनली फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ये स्लैब लगा दिए मैंने गिलासों के ऊपर। ये है हमारा सेकंड स्टेप, जो कि हमें इसी टाइप से लेके जाना है 8 स्टेप तक गाइस। ये देखिए पहले मैं ब्लॉक लगा रहा हूँ, और ब्लॉक लगाने के बाद हमें सारे के सारे ब्लॉक लगाने, फिर लगानी हमें स्लैब, और फिर इसी तरह हमें 8 स्टेप तक
कंप्लीट करना है गाइस इसे। ओके, तो नाउ अभी ये स्लैब लगाना शुरू कर देता हूँ मैं, स्लैब लगाना गिलासों के ऊपर। और ये एक्स्ट्रा स्लैब जो है, एक्स्ट्रा जो ब्लॉक जो लगाए मैंने, टेम्पररी ब्लॉक लगाए, इनको भी साथ के साथ ब्रेक करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये हमें बाद में बहुत नुकसान देंगे इन पे। अगर मॉब स्पॉन हो गए तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। सिर्फ ये हम बना रहे हैं अपना क्रीपर फार्म, तो क्रीपर ही स्पॉन होने चाहिए, और कोई हो गया और हो गया तो वो बहुत ही बेकार हो जाएगा गाइस। और ये देखिए हमारा जल्दी जल्दी से हमने ये स्लैब लगा दिए, और देखो यार मैं साथ के साथ अपने नेदरैक तोड़ता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत नुकसान देते हैं भाई साहब। और ये भाई अब तक का दूसरा बिल्ड है जो बनने जा रहा है वीपीजी में, क्योंकि ये गाइस आगे जाके हमें बहुत काम आने वाला है। माइनिंग के लिए हमारा टीएनटी बनेगा, और गाइस बहुत सारी चीजें जो गन पाउडर से बनती है, और फिलहाल तो रॉकेट हमें बहुत सारी चीजें स्टैकों के हिसाब से। तो मैंने स्टैकेबल ये क्रीपर फार्म बना रहा हूँ गाइस, और ये अपना लास्ट स्टेप है जो की 8 स्टेप तक हमें ले जाना था गाइस, ये भी कम्प्लीट होने वाला है। एंड देयर वी गो फॉर द आवर 3 टेम्पररी ब्लॉक प्लेस हियर गाइस। ये मैंने 3 ब्लॉक कर लिए नेदर रैक, और अब ऐसे ही ले जाता हूँ मैं चारों तरफ, मतलब ये जो ब्लॉक मैंने छोड़ा कोना, ये कोना नहीं छोड़ना। और अब ऐसा करता हूँ इसके सेंटर में से 7 ब्लॉक की लाइन ले लेता हूँ, चारों तरफ हो चुकी है। और अब ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे तीनों तरफ ऐसे 3 ब्लॉक लगा देता हूँ गाइस। ऐसा भी हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट। और ये वाले ब्लॉकों को मैं एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर और एक नीचे और एक ऊपर ये लगा दिया, और ये सारे के सारे मैंने एक दूसरे को कनेक्ट कर दिए। और अब ऐसा करता हूँ ये जो बेस है यहाँ बेस बना देता हूँ, फिलअप कर देता हूँ सारे में, क्योंकि यहाँ पे जो अपने क्रीपर आके गिरेंगे गाइस, और यहाँ पे भरा जाएगा अपना पानी। लो कंप्लीट हो चुका अपना फिलपिंग भी। और मैं डिस्पेंसर पे इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुझे पीछे की तरफ अपने 7 ब्लॉक की लेक लाइन लेके जानी है, और ऐसी करनी मुझे राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड में मिले जस्ट सामने वाली साइड पर। तो गाइस 7 ब्लॉक की कंप्लीट हो चुकी है, और अब ऐसा करता हूँ इसकी साइड वाली साइड को भी भर लेते हैं, क्योंकि यार ये भरनी जरूरी है। और यहाँ पे लास्ट में लगाऊंगा 1 ब्लॉक, और फाइनली हमारा ये सारा का सारा हो चुका है। और अब चलते हैं आगे की तरफ, ये डिस्पेंसर के ऊपर मैं लगाऊंगा 3 अपने नेदरैक, और एक डिस्पेंसर रोल लगा के यहाँ पे लगा दूंगा एक ऑब्जर्वर। और गाइस ये कंप्लीट, और इसके 2 ब्लॉक छोड़ के इसके चारों तरफ मैंने भर दिए ये स्लैब्स, और ये यहाँ से 2 ब्लॉक छोड़ दिए, और गाइस ये भी लग चुके हैं। और अब लगाना शुरू करूंगा मैं अपने ट्रैप डोर, जल्दी से जल्दी अपने ट्रैप डोर लगा देते हैं गाइस। तो ये जितने भी स्लैब्स दिख रहे हैं मुझे इन स्लैब्सों पे सारे के ऊपर लगाने हैं ट्रैप डोर, और ट्रैप डोर एक भी छूटना नहीं चाहिए, और छूट गया तो मेरा मुझे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे स्पॉन होना बंद हो जाएगा, यहाँ पे मॉब्स स्पॉन लगेंगे, और क्रीपर तो एक भी नहीं आएगा नल्ला। गाइस ये लो हमारा कंप्लीट हो चुका, और अब आगे की तरफ चलते हैं। फिर से मुझे ऐसा ही करना जैसे मैंने नीचे कर रखा, ये ब्लॉक ले जाके इसके बराबर में ब्लॉक लगा के इसके ऊपर स्लैब्स लगा दूंगा दोनों की तरफ, और गाइस ऐसे ले जाऊंगा सामने की तरफ। पूरा हो चुका, और अब इसकी करनी पड़ेगी मुझे कवरिंग, और कवरिंग करने के बाद वही अपने स्लैब्स लगेंगे गाइस। जैसे मैंने नीचे करा था वैसे ही करूंगा, यहाँ पे 5 ब्लॉक कर दिए मैं, और यहाँ पे करूंगा अपने 4 ब्लॉक, और यहाँ पे 2 ब्लॉक लगा के एक ग्लास लगा दूंगा ताकि अपना पहले से पहले लगा रहे, ठीक है। और स्लैब भी लगा दिया, यहाँ 2 ब्लॉक लगा के और यहाँ पे 1 ब्लॉक लगा के वही अपने अपने स्लैब लगा देते हैं जितने अपने बाकी बचे हुए। तो 3 स्लैब बाकी है, तो तीनों के तीनों लग गए। और अब है सेकंड लास्ट स्टेप जिसमें हमें करना क्या है, 2 ऑब्जर्वर लगाने, एक ऑब्जर्वर लग गया, और इसके ऊपर भी एक ऑब्जर्वर लगाना, और अपना ब्रेक करके अब ऊपर की तरफ चलते हैं, और यहाँ से लगाना शुरू कर देते हैं अपने वही 7 ब्लॉक्स जितने ले जाने पीछे खींच के। तो गाइस ये 7 ब्लॉक ले चुके हैं, सारा का सारा हो चुका है अपना। और अब यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं 13 ब्लॉक लगाना, और गाइस ये फालतू ऐसे तोड़ देते हैं, और अब कुछ लगेगा हमारा दिखने में ऐसा, लेकिन ये है आखिरी काम जो बहुत कठिन है गाइस। इसमें करना क्या है, हमें सारे के सारे ब्लॉक फिल करने हैं। एंड लिटरली गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इसे भरने में मेरे पूरे 1 घंटा चला जाएगा। और गाइस इसे भी नीचे की तरह भरना जैसे नीचे वाले करते हैं ना अपने, वैसे ये लास्ट ब्लॉक ऐसे फिलअप करने के बाद, देखो ये जो ब्लॉक लगाया मैंने गलत लगाया, इसके ऊपर लगाना हमें ऑब्जर्वर, और फिर हमें ले जाना है यहाँ से 7 ब्लॉक आगे की तरफ। फिर हम यहाँ से गाड़ी घुमा लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 1 ब्लॉक, और अब भरना है इसे 6 ब्लॉक, क्योंकि ये हमारा सारा भरने के बाद होगा, फिर रेडस्टोन का सिस्टम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लगाने यहाँ पे बटन, क्योंकि बटन ताकि यहाँ पे मॉब्स स्पॉन ना हो गाइस, ठीक है ना। और ये हम बटन लगाना शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पे एक कोइंसिडेंस हो जाता है एक वॉन्डरिंग ट्रेडर से, पता नहीं कैसे आता है यहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आता गाइस। और फिलहाल तो हमें ये लगा लेते हैं अपना, और बाद में मैं खत्म कर दूंगा इसे, ठीक है ना गाइस, क्योंकि इसे रखना नहीं है यहाँ पे। एंड आई थिंक अब हमें बना देना चाहिए रेजिस्टोन सिस्टम, ये निकाल लेते हैं हम दोनों की दोनों चीजें। पहले लगाएंगे यहाँ पे एक कंपेरेटर, और कंपेरेटर कर देंगे एक टिक, और इसके बाद करेंगे हम अपने रिपीटर सारे में फैला देंगे, एक भी नहीं छोड़ना है। और इस सारे में सारे रिपीटर लगाने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन ये मुझसे एक गलती हो गई, यहाँ पे लगना चाहिए कंपेरेटर, फिर उसके बाद पिस्टन, इसे तोड़ देते हैं दोनों के दोनों को, इसे तोड़ लिया मैंने। और पहले लगाऊंगा मैं यहाँ पे एक पिस्टन, और पिस्टन लगाने के बाद आगे लगाऊंगा अपना क्या कंपेरेटर, कंपेरेटर कर दूंगा एक टिक, और ये हो चुका। और यहाँ पे लगाऊंगा मैं अपना रेडस्टोन डस्ट, और आगे जाके यहाँ पे भी लगा दूंगा 2 और लगाने मुझे यहाँ पे, और कनेक्टिविटी कर दूंगा, क्योंकि यार साइकिल जो आएगी वो यहाँ से चलती हुई आएगी, ठीक है ना गाइस। और अब है टाइम अपना AFK होने का, तो 200 हाइट तक हमें जाना है, वाई लेवल होना चाहिए हमारी 200, तो 200 हो चुकी है। और अब यहाँ पे AFK का अपना जुगाड़ बना लेते हैं जहाँ पे अपना AFK रहेंगे गाइस। ये डन हो चुका है अपना, और ऊपर से भी कवर कर लेते हैं इसे। और फिर मैं अपना क्या करता हूँ, अपना फार्म चेक करने लग जाता हूँ गाइस, मैं AFK हुआ रहता हूँ। तो गाइस ये अपना फार्म जो है बहुत अमेजिंग वर्क कर रहा था, अब मुझे रॉकेट और TNT बनाने की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि ये फार्म ही ऐसा चल रहा है गाइस। और जब तक हम AFK रहेंगे तब तक हमें गन पाउडर मिलता रहेगा। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं कराया तो लाइक कर दो गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।